वहीं देश में कोरोना से 24 घंटे में करीब 4000 लोगों की जान गई है। आप इन मौतों के लिए ऑक्सीजन की कमी, अस्पताल में बिस्तरों की कमी जैसे आरोप लगा सकते हैं, लेकिन कभी उन लोगों पर नजर गई जो बाजारों में भीड़ लगाते हैं? वो कोरोना के सुपर स्प्रेडर हो सकते हैं। देश के ज्यादातर हिस्सों में लॉकडाउन लगा हुआ है, बावजूद लोग भीड़ की शक्ल में सड़कों पर बेवजह निकल रहे हैं और कोरोना को बढ़ा रहे हैं। इस भीड़ में लोगों के चेहरे भले ही आपको अलग अलग दिखे, लेकिन इनकी पहचान एक है और ये पहचान है कोरोना की तीसरी लहर के सूत्रधार की। यह हैदराबाद के चार मीनार के पास की तस्वीर है। भीड़ इतनी कि किसी एक चेहरे पर नजर नहीं रुक पाएगी। एक साथ इस बाजार में इतने लोग मौजूद हैं कि कोरोना की तीसरी लहर को रोक भी नहीं पाएंगे। वैसे तो हैदराबाद में लॉकडाउन नहीं है, लेकिन लोगों की समझ तो देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे हर कोई बाजार में ही रहना चाहता है। यहाँ इतनी भीड़ है कि पैर रखने तक की जगह नहीं है। कुछ लोगों ने मास्क जरूर पहना है, लेकिन ज्यादातर लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोरोना का कोई असर ही नहीं है और लोगों की यही समझ जानलेवा होने वाली है। ऐसी ही एक तस्वीर कल गुजरात के साणंद से आई थी। कोरोना की दूसरी लहर से जब पूरा गुजरात परेशान है, उस हालत में यहां हजारों की संख्या में महिलाएं साणंद कलश यात्रा निकाल रही हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि ना ही महिलाओं ने मास्क पहना है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होने के बाद पुलिस ने कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने के आरोप में 24 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। हैदराबाद और गुजरात की तस्वीरें देखने के बाद दिल्ली की रियलिटी भी देखना जरूरी है। ये दिल्ली की आजादपुर मंडी है। मंडी बंद तो नहीं की जा सकती है, क्योंकि खाने पीने के जरूरी सामानों की सप्लाई यहीं से होती है। लेकिन यहाँ मौजूद लोग सावधानी तो बरत ही सकते हैं, जबकि सच्चाई ये है बहुत मुश्किल से लोग आपको मास्क के साथ दिखेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के आजादपुर मंडी में। ये दिल्ली की सबसे बड़ी मंडी है और यहाँ के हालात देखिए, आपको बिल्कुल नहीं पता लगेगा कि यहाँ पे लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति है। लगातार भीड़ बनी हुई है, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ा रखी है, साथ में मास्क भी नहीं लगाया हुआ। कई लोग तो मास्क सिर्फ कैमरे के लिए लगाते हैं और जैसे कैमरा हट जाता है उनके पास से, मास्क वापस नीचे कर लिया जाता है। और यही हालात बने हुए हैं कि जो ये मामले जो लगातार दिल्ली में बढ़ रहे हैं, उसमें लोगों की लापरवाही भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हम देख रहे हैं। लगातार लोग जो हैं वो लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का नियमों का पालन छोड़ रहे हैं, उसके अलावा मास्क भी हटा देते हैं। और इसके अलावा भीड़ जो आपको यहाँ मिलेगी मार्केट में वो बहुत ज़्यादा है। जब जी मीडिया के रिपोर्टर ने लोगों से पूछा कि उन्होंने मास्क क्यों नहीं पहना है, तो हर किसी के पास बहाना तैयार था। मास्क कहाँ है? तो जेब में क्यों रखा हुआ है? बेटा कपड़ा, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कपड़ा बांधो। मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ? दिल्ली के आजादपुर मंडी के बाद अब आपको साहिबाबाद की मंडी की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ भी लोगों में कोरोना का डर कहीं नहीं दिख रहा है। लोग बड़े आराम से बिना मास्क के घूम रहे हैं। कैमरा देखकर कुछ लोग मास्क जरूर ठीक कर लेते हैं। तो इस वक्त मैं हूँ गाजियाबाद के साहिबाबाद मंडी में और यहाँ पर आपको भीड़ नजर आएगी, कहीं से आपको कोई सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आएगी। सवाल मास्क भी लेकर है, यहाँ पर तमाम जितने भी लोग हैं उनके पास मास्क नहीं है, मास्क पहन नहीं रहे हैं। जो लोग मास्क पहने भी हैं तो वो अपने गले में मास्क रख रहे हैं। अगर वो कैमरा या कोई पुलिसकर्मी नजर आए तो निश्चित तौर पर मास्क पहनने की कोशिश करते हैं, अन्यथा यहाँ पर किसी भी तरह का जो कोरोना
गाइडलाइंस है उसका कोई भी पालन नहीं होता हुआ दिख रहा है। भाई साहब मास्क क्यों नहीं लगा रहे हो? ऑक्सीजन की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है ना, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम। मास्क क्यों नहीं लगा रहे हो सर? मास्क हम अभी पानी पिया था सर, अभी पानी पिया था, पानी पिया था सर अभी। हाँ जी मास्क क्यों नहीं पहन रहे हो? मास्क ठेले पे रखा है, ठेले पे रखा है। अरे ठेले पे रखने के लिए मास्क पर हमने आपको दिल्ली और गाजियाबाद की ये रिपोर्ट क्यों दिखाई, ये समझने के लिए देश के बड़े डॉक्टर को सुनना चाहिए जो ये सलाह दे रहे हैं एक नहीं दो मास्क पहनिए। अगर हमारे पास N95 मास्क है, अगर हम N95 मास्क यूज कर रहे हैं जैसे डॉक्टर यूज करते हैं, तो सिंगल मास्क भी ठीक रहता है। लेकिन ये जरूरी है कि वो मास्क आपके नाक में और चेहरे में अच्छी तरह से फिट हो, जिससे मास्क के साइड से हवा अंदर ना आए। अगर आपके पास N95 मास्क नहीं है तो आप दो मास्क लगा सकते हो। एक तो आम जो सर्जिकल मास्क है, 888 सर्जिकल मास्क, वो आप पहले अपने चेहरे पहले लगाएं और उसके ऊपर कपड़े का मास्क लगा सकते हो। और फिर भी ये ध्यान रखें कि मास्क आपके चेहरे नाक और चेहरे के अराउंड टाइटली फिटेड है, जिससे हवा साइड से ना आए और आप उसको नाक के नीचे ना लेके जाएं। दरअसल मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग क्यों जरूरी है ये समझने के लिए ये आंकड़े देखिए। आज 6 मई को देश में 4,12,000 से ज्यादा केस आए हैं, 3,980 लोगों की मौत हो गई है। और तो और ये दावा किया जा रहा है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर भी आने ही वाली है। A phase 3 is inevitable given the high levels of circulating virus, but it's not clear on what time scale this phase 3 will occur. Hopefully incrementally, but we should prepare for new waves. Previous infections and vaccines will cause adaptive pressure on the virus for new kinds of changes which try to escape it.